दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों किस तरीके से भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया और उसके बाद किस तरीके से गेंदबाजों ने वापसी करते हुए मुकाबले में अपने आप को मौजूद रखा और क्या है मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में कौन है बेहतर गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 416 रन बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम ने मात्र 284 रन बनाए और दूसरी पारी में तीसरे दिन की समाप्ति तक चेतेश्वर पुजारा 50 और ऋषभ पंत 30 रन बनाकर भारतीय टीम के स्कोर को 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा गए। और चौथे दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो बल्लेबाजी की कमान चेतेश्वर पुजारा ने संभाली, तो वहीं 48वें ओवर में चेतेश्वर पुजारा ने अपने नेचुरल गेम को भूलकर एंडरसन को लगातार दो गेंदों पर दो चौके जड़ दिए, लेकिन पुजारा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा के रूप में भारतीय टीम को दिन का पहला झटका लगा और वो 66 रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर लीज को कैच थमा बैठे और दूसरी पारी में ये इंग्लैंड की टीम की चौथी सफलता है। और इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और ऋषभ पंत के साथ वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं इसी बीच ऋषभ पंत ने 75 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और ये उनका 10वां अंतरराष्ट्रीय टेस्ट अर्धशतक था। तो वहीं ऋषभ पंत ने एक शानदार रिकॉर्ड हासिल किया जिसमें ऋषभ पंत किसी भी टेस्ट मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में पहली पारी में शतक तो वहीं दूसरी पारी में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले फारूक इंजीनियर ने 1973 में ये रिकॉर्ड बनाया था और 50 साल बाद ऋषभ पंत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं एक टेस्ट मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर की लिस्ट में ऋषभ पंत तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, तो वहीं श्रेयस अय्यर के रूप में भारत को 5वां झटका लगा और अय्यर को मैटी पॉट्स ने 19 रन के स्कोर पर जेम्स एंडरसन के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसमें इंग्लैंड की टीम लगातार श्रेयस को छोटी गेंद कर रही थी और इसके लिए उनके खिलाफ लेग साइड पर तीन फील्डर बाउंड्री लाइन में तैनात किए गए थे और इसके बावजूद अय्यर ने छोटी गेंद पर पुल शॉट खेला और गेंद सीधे मिड विकेट में खड़े एंडरसन के हाथ में मार बैठे। और इसके बाद बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा आए और जिन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था, तो वहीं भारतीय टीम को 6वां झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा जिसमें पंत ने 57 रन बनाए और जो रूट ने उनका कैच पकड़ा और पंत ने जैक लीच की साधारण गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद उनके बल्ले के किनारे में लगकर स्लिप में खड़े जो रूट के पास चली गई। और जब भारतीय टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि 45 रन के भीतर भारतीय टीम को 3 विकेट का नुकसान हो गया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए और दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु मैटी पॉट्स ने भारत को 7वां झटका दे दिया और उन्होंने शार्दुल ठाकुर को 4 रन के स्कोर पर जैक क्राउली के हाथों कैच आउट करा दिया और पॉट्स लगातार छोटी गेंदें कर रहे थे और उन्होंने पहले एक गेंद शार्दुल ठाकुर के शरीर पर भी मार दी थी और इसी वजह से शार्दुल ने पुल शॉट खेला और आउट हो गए। और बल्लेबाजी करने मोहम्मद शमी आए और रविंद्र जडेजा के साथ शानदार बल्लेबाजी करने लगे और लंच से पहले एक ही सत्र में 4 विकेट भारतीय टीम ने गंवा दी है और 104 रन भी बनाए। तो वहीं दूसरे सत्र का खेल जब प्रारंभ हुआ तो लंच के बाद पहले ही ओवर में भारतीय टीम को 8वां झटका लगा जिसमें मोहम्मद शमी 13 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं आपको बता दें कि और उन्हें बेन स्टोक्स ने एलेक्स लीज के हाथों आउट करवा दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जसप्रीत बुमराह आए जिन्होंने पिछली पारी में एक ही ओवर में 29 रन जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो वहीं भारत की दूसरी पारी में 80वें ओवर में 236 के स्कोर पर बेन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड कर दिया और 23 रन बनाकर आउट हो गए। और वहीं बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए तो वहीं 82वें ओवर में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहले कप्तान बेन स्टोक्स को चौथी गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह 20 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 7 रन बनाकर करौली के हाथों आउट हो गए और इसी के साथ ही भारतीय टीम 245 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 377 रन की लीड बनाकर 378 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दे दिया, जिसमें इंग्लैंड की तरफ से करौली और लीच पारी की शुरुआत करने के लिए आए और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के पास में इसका कोई भी तोड़ नहीं था और भारत को पहली सफलता 15वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर मिली, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। यस, और जडेजा की गेंद पर जैक क्राउली रिवर्स स्वीप से चौका हासिल करना चाह रहे थे और गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद
पैड में लगी और पास में खड़े फील्डर हनुमा विहारी के हाथों में चली गई और भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की और एम्पायर अलीम डार ने तीसरे एम्पायर से सलाह लेने का फैसला किया और उन्होंने सॉफ्ट सिग्नल में आउट दिया। लेकिन रिव्यू में ये पता चला कि गेंद बल्ले से लगने के बाद जमीन से लगी है और फिर पैड से टकरा कर फील्डर के पास गई है और क्राउली आउट होते होते बच गए। और इसके बाद एलेक्स लीस ने अगले ओवर में सिराज की गेंद पर चौका लगाकर 44 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक है। तो वहीं 20 ओवर में दोनों ने मिलकर 100 रन की साझेदारी कर ली और लेकिन इंग्लैंड को 22वें ओवर में 107 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा और क्राउली अर्धशतक से चूक गए और वो 76 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए। वहीं टी ब्रेक के बाद ओवर की पहली गेंद पर भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने विकेट हासिल किया और उन्होंने पहली ही गेंद पर ओली पॉप को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और पॉप खाता भी नहीं खोल सके। तो वहीं 25वें ओवर में इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा और शानदार बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स लीस रन आउट हो गए और रविंद्र जडेजा की गेंद पर लीस ने लेग साइड में खेला और रूट को कॉल पर रन लेने के लिए कहा और शमी के थ्रो पर जडेजा ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर लीस को रन आउट कर दिया और लीस 65 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं पारी को जो रूट और जॉनी बेरस्तो ने संभाला और 32वें ओवर तक इंग्लैंड की टीम ने 136 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना दिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज कर सकती है या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।